किसका ये डर है, जो दिन तो निकल गया अभी रात बाकी है, इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार जाऊं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। दोस्तों, अपने जीवन में सफल होना, काबिल बनना, कामयाब होना और सफलता के शिखर को छूना हर विद्यार्थी चाहता है। और स्टूडेंट लाइफ हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होते हैं, जिनके अंदर हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। उन गलतियों से अगर हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर एक जोश, जज्बे और जुनून को लेकर के चलते हैं, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और हमें हमारे फ्रेंड्स का, टीचर्स का, हमारे भगवान का, हमें सभी का साथ मिलता रहता है अगर हम सही डायरेक्शन में कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, इन गलतियों से आपको बचना है, तभी आप अपने भविष्य को सुनहरा एवं उज्जवल बना पाएंगे। सबसे पहले जान लें कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो पहली जो गलती हम लोग करते हैं, टू मच फोकस ऑन निगेटिव थॉट्स। दोस्तों, किसी ने हमारे बारे में कुछ गलत कह दिया या हमारे दोस्त ने किसी से कुछ कह दिया, इससे हम बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। हमारे माता पिता ने हमें कुछ बुरा भला कह दिया, तो हम इन चीजों को अपने दिमाग में रख लेते हैं, इन चीजों को हमें हटाना होगा। बात यह है कि आप ये सोचें कि अगर आपकी आलोचना हो रही है, अगर आपकी बुराई की जा रही है, आपको गलत चीजें कही जा रही हैं, तो आपको वहां पर जवाब नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ और मेरा पहला और प्राइमरी कर्तव्य है कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने एग्जाम में अच्छा करना है। चाहे आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप किसी कॉलेज की परीक्षा दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो, आपके लिए बोर्ड परीक्षा वो पहला स्टेप होता है जिस पर चल करके आप अपनी सफलता की इबारत को लिखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप निगेटिव थॉट्स को सोचेंगे तो इससे आपकी ही पोटेंशियल कम होगी, यानी कि आपकी कार्य करने की जो क्षमता होगी वो कम होगी। तो आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उतनी बातों पर ध्यान देना है जो चीजें आपको सही लगे, आपको यह लगे कि यह चीजें मेरे काम में मुझे और ज्यादा ऊपर लेकर के जाएंगी। बाकी निगेटिव बातों को आपको वहीं पर छोड़ देना है, कुछ भी आपको अलग नहीं सोचना। दूसरी बात, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने में एवरेज होंगे, कुछ विद्यार्थी थोड़े कमजोर होंगे, लेकिन वह टॉपर से खुद को कंपेयर करके, दूसरे बच्चों से कंपेयर करके, अपने रिलेटिव से कंपेयर करके, और कहीं ना कहीं इसमें हमारे घर का भी एटमॉस्फेयर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे माता पिता भी कई बार हमें उदाहरण देते हैं कि उनके बच्चे ने कुछ अच्छा करके दिखाया, उनके बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो गया, तो ये सारी चीजें भी हमारे माइंड में निगेटिव थॉट लेकर के आती हैं। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, वो आपको सफल देखना चाहते हैं, तो इसलिए आपको उदाहरण दिया जाता है। लेकिन इन चीजों को आप अपने निगेटिव ट्रेट में मत शामिल करें। अगर आपका कंपैरिजन हो रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप भी सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने आप में आप भी किसी से कम नहीं हैं, और एक दिन आप भी सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, अपने आप को आप सफल जरूर बनाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कंपैरिजन से आपको घबराना नहीं है, कंपैरिजन से अपने आप को आपको कम नहीं मानना है, आप बेस्ट हैं, आप सफलता जरूर हासिल करेंगे, इस बात का दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। तीसरी बात, प्रोक्रास्टिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किलिंग योर पोटेंशियल। दोस्तों, अगर आज के समय में सबसे बड़ी बात की जाए, जो हर विद्यार्थी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। जब हमें कोई काम असाइन किया जाता है, कोई काम हमें दिया जाता है, तो उस काम को हम डिले करते चले जाते हैं, तब तक जब तक कि वह काम हमारे लिए अर्जेंसी ना बन जाए, हमारे लिए एकदम बहुत जरूरी ना बन जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क आपके स्कूल के द्वारा दिया गया और आपसे यह कहा गया कि आपके पास 15 दिन का समय है, 15 डेज का टाइम है, आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट करें और इस प्रोजेक्ट के दम पे आपको आपके इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचकर चलेंगे कि अभी 15 डेज हैं, फिर दो दिन बाद वो सोचेंगे अभी 13 डेज, 12 डेज, 10 डेज, 9 डेज, 7 डेज, इस तरीके से करते करते वह प्रोजेक्ट वर्क के एक दिन पहले जागेंगे और रात भर उसको बनाने में अपने समय को लगाएंगे, उतने अच्छे से भी वो काम नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी में इधर उधर से चीजों को करने के बाद उनको ये रियलाइज होगा कि काश मैंने पहले
इस प्रोजेक्ट को बना लिया होता तो आज मुझे इतना घबराना नहीं पड़ता, आज मुझे इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता। तो ये जो कास वर्ड है इसको निकालने का तरीका यही है कि जो काम आपको दिया जाए उस काम को उसी समय पर करने का प्रयास करें, उसी समय से उस काम के लग जाएं, अंतिम डेट का डेडलाइन का वेट न करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे, आप स्ट्रेस फ्री रहें। क्योंकि जब आप काम करके आप रिलैक्स रहेंगे तो आपको पता होगा कि अब मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, कोई भी काम मुझे दिया गया मैंने उसे कंप्लीट किया। यही हाल हमारे बोर्ड एग्जाम में होता है कि हमारे पास पता होता है कि एक साल का टाइम है, हम आराम आराम से चीजों को पढ़ेंगे। यही करते करते आपका समय निकलता जाता है और एक समय आता है कि हम पास होने के लिए भी संघर्ष करते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है। अगली बात, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। दोस्तों, आपको चाहे आपके गुरुजी कैसा भी पढ़ाते हो, अच्छा हो, अच्छे पढ़ाते हो, कम अच्छा पढ़ाते हो, या बहुत ज़्यादा आपसे रूडली बिहेव करते हो, लेकिन आपको हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। इसका कारण यह है कि मान लीजिए कि आपने अपने टीचर से आपने लड़ाई कर ली, कुछ आपने उनको बोल दिया, तो टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको उस समय पर डांट कर शांत करा देंगे, और कुछ टीचर्स इस स्वभाव के होते हैं कि वो आपको उस समय कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब आपको उनको मार्क्स देने होते हैं, चाहे वो इंटरनल के मार्क्स हों, जहां पर भी आपका वो नुकसान करना चाहेंगे वहां पर आपका वो नुकसान करेंगे। तो कोशिश ये करें कि अपने टीचर से मैस ना करें, अपनी गलती को ज़्यादा स्वीकार करने का प्रयास करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को सही नहीं कर सकते, तो अपने टीचर से आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस थोड़ा बहुत करने की ज़रूरत है, उनसे अपनी प्रॉब्लम को जाकर कहने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई बात सही नहीं लगी, तो अपने टीचर से आप पर्सनली जा करके उस बात को कह सकते हैं। क्लास में उन्हें ह्यूमिलेटिंग, इंसल्टिंग आपको फील नहीं कराना है। बहुत सारे बच्चे टीचर से बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, तो ये गलती होती है। ये हमारे संस्कारों को दिखाता है कि हम किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो आपको भी अपने गुरुजनों का सम्मान करना है, तभी आपको बदले में गुरुजनों से भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना आप उन्हें देना चाहते हैं। बात करें अगली, दोस्तों, नो द वैल्यू ऑफ टाइम। सबसे बड़ी बात जो आपके साथ है वह है कि आपके लिए एक समय, एक चीज ऐसी है जो निरंतर, जो लगातार चल रही है, और वह है आपका टाइम। आपको अपने समय की वैल्यू समझनी होगी। इसके लिए अपने पूरे 24 घंटे का प्लान आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस समय पर कौन सा कार्य करूंगा, कब मैं पढ़ूंगा, कब मैं सोऊंगा, कब मुझे स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, कब मुझे अपने गैजेट्स को यूज करना है। अगर आपने ये चीज डिजाइन कर ली, तो ये चीजें आपके धीमे 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 हैबिट बनेंगी, और यही हैबिट आपको उस सफलता तक लेकर जाएंगी जिसकी सोच आपने की है, जिसकी कल्पना आपने की है। तो समय एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू अगर आप समझ गए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपके अंदर परिवर्तन लेकर के आएगा और आपको अपने लक्ष्य के प्रति और ज्यादा प्रेरित करेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।